सभी को मेरा नमस्कार। From past 7 years, your brand is ruling. What is the secret behind your success, sir? Sir, Golden Eagle company share values are increasing by 10% every year. What is your comment on this? Sir, आपकी company के future plans क्या हैं? जरा detail में बताएंगे। आप सभी के सवालों का जवाब कल प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। You can all please go to that. Thank you. Sir, one question please, sir. Mr. Devi Shetty. आपकी ad में false information है। आपका ad झूठा है। What? कर्नाटक के हुल्ली दुर्गा तालुका के 40 गांव में आपकी गोल्डन ईगल कंपनी के तेल का एक भी पैकेट नहीं बिकता। Listen, है। you see, the thing is that like गोल्डन ईगल कंपनी ने शुरू से लेकर आज तक उस गांव में अपने कदम रखने की कोशिश भी नहीं। 0.1% ही तो है ना? तो आप 99.9% का नारा क्यों लगा रहे हैं और 100% का झूठा ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? मैडम, मिस्टेक विल बी करेक्टेड। थैंक यू। कम सर, बताओ यहाँ साउथ का इंचार्ज कौन है सर? और कर्नाटक की जिम्मेदारी किसकी है? सर, इट्स मी। ये एरिया अभी तक पिंक क्यों है? इसे कवर क्यों नहीं किया? सॉरी सर, यहाँ हमारी ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी का मुझे और किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं। हमारी कंपनी का तेल वहाँ क्यों नहीं बिकता? जवाब दो मुझे। सर, होली दुर्गा गाँव के अंदर आज भी उसी पुरानी पद्धति से तेल को निकाला जाता है। आज भी उस गाँव में सिर्फ एक ही बाजार है और उस बाजार की सिर्फ एक ही सोसाइटी है और पिछले 20 सालों से सोसाइटी को सिर्फ एक ही आदमी चला रहा है। उसका नाम है गोविंद। लारी किधर है बे? Ah.
चल 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 उठ अंबर तक उठ नंदी है तू शिव नंदी नंदी राइट तू है रानी तड़पा लायो मुझको अल्लाहू 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 देखो तो लटके झटके प्यारे इसके अल्लाहू 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 यारो देखो ये जो नाचे दिल भी मेरा कोई जीने का मजा है तुम तैयार नहीं हो डांस कर रही हो रेडी तो तब होंगे ना जब वो आने वाले होंगे वो नहीं आने वाले है कोई रोकने वाला रुकेगा एक लड़का कौन है वो लड़का अरे वो लड़का लड़का ये लड़का ये लड़का क्या है ये सब पहले टेप बंद करो अगर वो लड़का नहीं आ रहा है तो इसी को आ जाने दो चाइल्डहुड लव स्टोरी है मेरी चाइल्डहुड लव स्टोरी है पहले चश्मा उतारो अब बताओ ना ब्रिलियंट जॉब ग्रेट इस देवी शेट्टी तक पहुंचना लोगों के लिए एक सपने जैसा है लेकिन तूने मेरे पिछले 4 साल का सारा ट्रैक ढूंढ लिया मेरा कंप्लीट बायोडेटा मेरी इंपोर्ट डिटेल्स और एक्सपोर्ट भी वाओ ये अगर कोर्ट में पहुंच गया ना नो डाउट इस देवी शेट्टी की लाइफ जेल में गुजरेगी हो ना हो कोई तो नमक हराम है जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है कौन है वो बताओ मुझे सर इसका बाप यहां आया है सलाम वालेकुम शौकत अली खान साहब सब खैरियत इरफान कैसा है हमारा सबसे सिंसियर आईआरएस ऑफिसर 4 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया उसका फोन भी बंद है कंप्लेन भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अब आप ही कुछ करिए ये इरफान का बेटा है ना हाँ इसे सही तालीम देना इसे ये मत सिखाना कि जिंदगी में क्या करना चाहिए बल्कि ये जरूर सिखाना कि क्या नहीं करना चाहिए पापा से मिलना है जाओ मैं ढूंढता हूं उसे जाइए अरे देर हो रही है जल्दी करो कावेरी कहाँ हो ऐसी खड़ी रहो रुमाल ले लो लेडीज रुमाल जेंट्स रुमाल रुमाल ले लो अरे कृष्णा दीदी आ रही है अलर्ट कैसा लग रहा है राजकुमार के जैसा ना हाँ। अरे बंदर जैसी शक्ल है हेलो 100 करोड़ का मालिक है ये बाबा जी के ठुल्लू अगर कल को रिश्ता लेकर आ जाता ना ये तो चट मंगनी पट ब्याह करके सब कुछ निपटा देती मैं लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद हाँ। कर दी किसने और किसने तुम्हारे लाडले ने अरे ये तो कृष्ण कन्हैया है ये जो भी करता है ना उसके पीछे कारण होता है बड़ा सीधा है ना ये असली मर्द तो वो होता है जो मुकाबला करता है बहादुर की तरह मुझों पर ताव देकर डटा रहता है लेकिन इस हाफ टिकट के साथ मुझे जो भी देखने आता है उसे भगा देता है छी ये कैसा हीरो हुआ कृष्णा मुझे पकड़ कर शांत हो जा अगर ये असली हीरो होता तो सीधे मेरे पापा के पास जाता और बहादुरों की तरह उनसे मेरा हाथ मांग लेता लेकिन ये तो बहुत डरपोक है क्रिश इंसल्ट हो रही है तू देख रहा है देख इसका पापा गोइंग Go ask his daughter. Finish the matter. Huh? आज कृष्णा बांसुरी बजा के ही रहेगा जय भोले जय भोले कावेरी क्या वो सच में पूछेगा मुझे डर लग रहा है अरे डरो मत आज जितनी स्पीड से जा रहा है ना ये वैसे ही चलता तो मैं माँ बन जाती अरे गौरी पड़ोस के गांव से तेरे लिए शादी का रिश्ता आया था क्या हुआ उसका कृष्णा अगर तुम हाँ कर दो ना तो मैं अपनी सगाई तोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ ये तो पीछे ही पड़ गई देखा ना भाभी इसकी नौटंकी लग रहा है इस बार तो वो पूछ ही लेगा ये कंफर्म है इस बार तो गई जयराम जी पुजारी जी आप कैसे हैं सारे भगवान को भोग लगाते हैं ना पूर्णमासी कब है वो तो कल थी बेटा अच्छा कल थी किसी ने मुझे बताया नहीं ये गधा पूर्णमासी का चांद ढूंढ रहा है और इस चांद की कदर ही नहीं है अगर प्यार करता ना तो पक्का पूछेगा
इनका रास्ता रोक दो। छुपन छुपाई आंख मिचौली, अक्कड़ बक्कड़ और बम्बे बो, 80-90 और पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। ये सभी मितई सूरी के आदमी हैं। बाजार में जो हुआ उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे। फटाफट पुलिस को फोन करो। ए, रुक जाओ। वर्षों लग जाते हैं इज्जत कमाने में और चुटकी में सब खत्म। आप सावधान नहीं रहे तो ये लोग आपको मार देंगे। अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ए, इन सबको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, मलहम पट्टी करवाओ और सबको पंचायत में आने के लिए बोलो। फ्राइडे 11:30 आपकी उनसे मीटिंग है। ऑफिस लॉबी में आधे घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ आधे घंटे। ए, पापा वो मच्छर था, मच्छर। हाँ, तुम्हारा एमडी अगर नायक जी से मिलना ही चाहता है तो उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, टी शुगरलेस है, थोड़ा सावधान रहिएगा, यहाँ मच्छर बहुत है। कमर के नीचे नहीं, ऊपर ही रहने दो। कमर के ऊपर हो संस्कारी, कमर के नीचे सेक्सी लगोगी। अपनी लच के लिए कमर तो दिखाओ। इसको देखकर लड़के आहें भरेंगे। छी यार। क्या छी? अरे क्या कर रही हो? चल बेटी, हो आ जाना। हाँ। आ जाओ। Oh.
पुल्ला रेड्डी की, हमारे पुल्ला रेड्डी की, पुल्ला रेड्डी की। सर यहाँ ना। बोलो भाई। ये पुल्ला रेड्डी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड़ होनी चाहिए, ये सब क्या है? इलेक्शन का टाइम है भैया, जनता बिजी है। अरे अमावस्या के दिन ही ये इलेक्शन क्यों आता है बार बार? पुल्ला रेड्डी की जय। पुल्ला रेड्डी की जय। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंक की मीटिंग अटेंड नहीं की। सॉरी भाई, मैं फ्री नहीं था, आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं रेड्डी, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी तो रहोगे। उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, बस रोजी रोटी चल जाती है, वरना भूखे मरता। लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी तो किसमें इतनी मजाल की शेर के मुंह में हाथ डाले, बस नाम बताइए चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर। ये क्या है भाई? कनपटी पे गन। हाँ। तो सब बक दिया भाई, इसने धोखा दिया, धोखा दिया इसने, अपनी माँ की कसम भी खाई थी इसने। बज रहा है, फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो भाई, ये लोग दुकान बंद करवा रहे। अरे कौन, क्यों और कहाँ? कट कर, उसको कट कर, दूसरा उठा, उठा उठा उठा। हेलो भाई, कोई हमारी फैक्ट्री सीज कर रहा है। अबे कौन है, कहाँ है, क्यों कर रहा है? बोलो ना, कट कर, कट कर दे भाई, अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट में तू जीरो हो जाएगा। ये मेरा 60 साल पुराना पुश्तैनी बिजनेस था भाई, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई, अगर आप कहेंगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूं। मैं तो मजाक कर रहा था, ठोक ना देना। ऑयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए चेतावनी है। Happy wedding anniversary, Mr. Reddy. Now get lost. ये चुपकली हमारे गांव में कैसे आ गई? Hi, we are in Holidurg. This is 400 year old market where they are extracting oil traditionally. We are bringing you complete and live details on our channel. This is Ganga with cameraman Pappu. Thank you. Rumal le lo. No, thank you. Hey Bhagwan, ye to mera khazana lootne ja rahi hai. तुम कौन हो? गंगा। कहाँ से आई हो? मुंबई से आई हूँ। क्या करने? यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। क्या शूट करने आई हो? यहाँ पुरानी तकनीक से ऑयल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गांव में आई। ओहो बच्चन, देखो ना इसे कैसे टीन के डब्बे की तरह उठा रखा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। न्यूज पढ़ते वक्त भी तुझे ऐसी उठा के रखे क्या? तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी बाजू में दर्द हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ 52 किलो की हो तुम। बिल्कुल सही। कैसे मान लो कि तुम रिपोर्टर हो? तो मेरा आईडी कार्ड देख लो। अच्छा तो दिखाओ। कितनी बेशरम है इस बूढ़ी दादी को, इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है ना आपको? नो पेन नो टियर, मेरे पोते को तो बड़े ड्रम उठाने की आदत है, पर ये तो फूल जैसी है। क्रिश, ये बम्बई की गुड़िया को नीचे उतारो। हे भगवान, इस चुड़ैल से बचाना। कितने दिन यहाँ रुकोगी? 4 हफ्ते। तुम कहाँ रुकी हो? इस गांव के प्रधान के यहाँ रुकने वाली हूँ। मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूंगी। डोंट वरी प्यारी बेटी, तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। थैंक यू। ये क्या किया दीदी, ऐसी चिकनी मीठी रसमलाई को कृष्णा के सामने परोस दिया। बच्चन, प्लीज मेरी हेल्प करना। क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग? आप एक बार फिर से सोच लीजिए सर,
हमारी कंपनी को किसी भी हालत में यहाँ बेनिफिट नहीं होगा सर। रिमेम्बर वन थिंग, मनी कैन बाय एवरीथिंग। तुम पैसा फेंको और तमाशा देखो, सब लोग मान जाएंगे। भाइयों, भारत के सबसे बड़े व्यापारी गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक श्रीमान देवी शेट्टी आज हमारे बीच में हैं। उनके यहाँ आने का उद्देश्य वो खुद अपने शब्दों में कहेंगे। जय जवान जय किसान। गोल्डन ईगल कंपनी मेरी ही नहीं आपकी भी है। आज से आप सभी को तेल बेचने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी आपकी मदद के लिए आपके दरवाजे तक आ गई है। इस काम के लिए मैं आपकी सोसाइटी को 10 करोड़ रुपए एडवांस दूंगा। आप जो 150 रुपए में बेच रहे थे, हमारी गोल्डन ईगल कंपनी उसी को 200 रुपए में खरीदेगी। किसी को कुछ पूछना है, आपके मन में जो सवाल है उसे पूछ सकते हैं। ओए, भगवान हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है तो फिर पूछने की क्या जरूरत? हम सब लोग तैयार हैं, क्या बोलते हो? हम सब तैयार हैं। रुक जाओ सब लोग। नंदी ब्रांड, आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा, तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब। बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर दोगे। ये क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेश अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है, तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? सीताराम। हाँ? क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम, पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गाँव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लाल चीता मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम
धीरे से दम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना। हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे, अब वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए, सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे दो रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घट घट के पहन रहा हूँ। कृष्णा, कॉटन तेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। नहीं है। ए ब्रोकर, तू यहां से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना? आप निकल लो यहां से। कौन है? रेड्डी, पुल्ला रेड्डी। चल भोंक जल्दी। लगता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को सरकारी स्कूल के मामूली से विद्यार्थी ने मात दे दी। क्या बक रहा है? लोकल केबल टीवी से लेकर इंटरनेशनल चैनल तक जो तुम्हारी फजीहत हो रही है वो देखने लायक है। प्रख्यात बिजनेसमैन देवी शेट्टी को गांव वालों ने बेइज्जत किया। होली दुर्गा तालुका के तेल मार्केट में देवी शेट्टी को एक किसान ने ब्रोकर बोलकर अपमानित किया। अच्छा सुन देवी, मुझे एक डाउट है, अब मैं तुझे मालिक बुलाऊं या ब्रोकर बुलाऊं? से चीज। कृष्णा, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। एक सेल्फी ले लूं? लो ना। बाय कृष्णा। बाय बाय। नमस्ते दादी, सब कुछ ठीक है ना? क्या रे बंसी यादव, पुलिस तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लाई है? फिर से तूने कोई कांड कर दिया क्या? हाँ, वो पुरानी बातें, अब मैं मिनिस्टर हूँ, ये मेरे सिक्योरिटी के लिए है। नायक जी नमस्कार। ओहो, जनता के नेता आज खुद चल के मेरे घर आए हैं। नमस्कार, मैं आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। नमस्ते भाभी। बेटा कैसे? हाँ बोलिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी नायक जी। सरकार वो प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट करने जा रही है। नायक जी, पिछले 25 सालों से आपकी अध्यक्षता में ये कमेटी चल रही है, अगर आप लोगों से कह दे वो लोग जगह छोड़ देंगे और हम दोनों आपस में जो भी लेन देन की बात है वो कर लेंगे।
सरकार का आदेश है, इसलिए हम इस मार्केट का मुआयना करने आए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी सहायता करें। ऑफिसर्स, स्टार्ट योर वर्क। अच्छी तरह जानते हो 30 साल पहले क्या हुआ था। 10 गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया था इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। अगर तुमने दोबारा शुरू किया, हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो, यहाँ गांव में कलेक्टर साहब आए हुए हैं। क्या करूँ पापा? आप हमारे घर पर आए हैं तो हम दरवाजा खुला रखें ताकि आप आसानी से हमें लूट सको और हम बाहें फैलाकर आपका स्वागत सत्कार भी करें। आप बहुत समझदार हैं और हम बेवकूफ हैं, है कि नहीं? त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल गए। मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए आइए। कृष्णा आइए। यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मित्तई सूरी। वहाँ क्या हो रहा बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची, तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ जा, ठीक है। ओके। ए, रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी रुको, ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो, ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए, आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहां से बताओ तो। क्या बोला मैंने, रिश्वत ली है? Hey, who are you? Shut up and get out. मैं तेरी तो। नदियां बह रही है। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में। आखिर कब तक चुप रहोगे तुम? कुछ तो करो बेटा। तो चल यहां से। इंसान को जिद्दी होना चाहिए, पर इतने भी ज्यादा जिद्दी नहीं। हाँ सही कह रहे हो। नंदी ब्रांड को आप उनका सलाम। ईगल ईगल ईगल। Oh
जब पूरा गांव एक साथ है तो तुम अकेले क्यों खड़े हो बेटा? दवाई पूरी तरह से नहीं गई है। अच्छा, मजबूत है वो। दवाई 20 मिनट में काम कर देगी। वो उधर ही आ रहा है। क्या हुआ सर, गाड़ी पंचर हो गई क्या? नहीं, वो धूप ज्यादा है ना, इसीलिए सर घूम रहा है। लीजिए पानी पीजिए सर। क्या हुआ सर, कुछ प्रॉब्लम है? सर गाड़ी के अंदर आ जाइए।
हेलो ए ए कहाँ है तू और ये आवाज कैसी आ रही है? नंदी शिव नंदी, आवाज सुन के हिल गया ना? ओ तुझे और तेरे नंदी ब्रांड को मार्केट से निकालने के बाद भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई है ना? मेरे इरादे बुलंद हैं, पसीने की एक एक बूंद में तूफान भरा है, वैसे ही मेरा ब्रांड है। तूफान से मत खेल देवी, तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गांव के लोगों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बच्चे। मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मार्केट में घुसूंगा और अपना नंदी ब्रांड बेचूंगा। ए, ए, ए। तू चाहे अपने आप को कुछ भी समझ, तू कहीं का भी राजा हो, पर मैं अब इस गांव का राजा हूं। ए कैडबरीज, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं, आ रहा हूं मैं, अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा। गाड़ी आ गई, सामान उतार लो। जी। अब हैरान मत होना, ये मेरा ही घर है, आधा मुंबई इन बावर्चियों पर निर्भर है। वैसे हम कैटरिंग का काम करते हैं। कृष्णा अपना बैग देना। हाँ। ला 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 चिल्लाऊंगा कुर्ता फा। कौन हो तुम? कृष्णा। रुकमणी और सत्यभामा किधर है ये बताओ? नहीं मिलेगी। ये पूड़िया ले जाके कप्तान को दे दो। कृष्ण कप्तान। ए भाई ये पूरिया वहां रख दो और ये पतीला पकड़ो, ये ले जाके हमारे कैप्टन को दे दो। कैप्टन? यहाँ कैप्टन कौन है? चकू कमिंग कमिंग कमिंग, टाइगर रोरिंग रोरिंग रोरिंग। मैं हूँ कैप्टन जगन मोहन, क्या चाहिए तुम्हें? वेट ज्यादा था ना, चलो जाने दो। तुम कहाँ से आए हो? हुली दुर्गा। टाइगर उस टीम में हो या इस टीम में? ये टीम क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अगर गलती से इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो तुम मेरी टीम में सेफ रहोगे, लगेगा जैसे अमेरिका में हो। क्या कहते हो तुम? हाय कैप्टन। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन। कृष्णा आओ मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाती हूं। उसकी आंखों को देखा तुमने? मैं तो आंखों के साथ सब कुछ देखता हूँ। मैं उसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। 240 पूरी, 240 पूरी, 360 इडली, 360 इडली, 180। ये नारियल का पेड़ मेरे घर में चल के आ गया। दादाजी ये कृष्णा है। नमस्कार। ओह कृष्णा, गंगा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझो। आई टेक केयर दादाजी, चलो कृष्णा। आगे बताइए साहब। कैप्टन आया। 180 लंच। कौन है? कैप्टन जगन मोहन आपसे बात करना चाहते हैं। बोलो। पगड़ चाहिए मुझे? पिछले महीने तो दिया था। सिर्फ 15,000, क्या उखाड़ू उसमें मैं? तो कितना चाहिए था? 30। ज्यादा भागने वाला था। कितना दोगे तो ही रुकेंगे वरना चले जाएंगे। रोज का 3,000 गुणे 30 दिन कितना हुआ? 90,000 और पिछला 1,00,000 और 12 से गुणा भी करो। 12 से गुणा करने पर 10,80,000 हो गया। 10,80,000 हो गया? मतलब साल का 10,80,000 का घाटा होता मुझे। कप्तान हर महीने 30,000 का किराया तुम तीनों लोग दो, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। घर खाली कर दो तुम्हारा? क्या कह रहे हो, हर महीने 30,000 कहाँ से दूंगा? ऊपर से उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। कभी नहीं चढ़ा के निकल लिए खुद। मेरी पगार में 150 रूपए छोड़ दीजिए। हाँ इसके सिगरेट का भी पैसा जोड़। अब 2,000 और दे तू। 2,000 के ऊपर 63 रूपए और दो। अरे लूट लो सब। कृष्णा लो कड़क चाय।
ये मुंबई सबका स्वागत करती है और उनकी अच्छी लाइफ भी बना देती है, लेकिन तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो नामुमकिन है वो। देवी से कोई नहीं जीत सकता और ये बात सच है। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, देवी ही यहाँ का सिस्टम और सरकार है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढूं कृष्णा? गंगा, ऑयल मार्केट कहाँ पर है? चीनी है ना नमक है ना मसाले है, क्या ही है ये? गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा पॉकेट खाली कर रहा है। गंगा हाँ, तुम चुपचाप बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो। ये हीरो कौन है? कृष्णा, अपने लिए काम ढूंढने आया। हाँ हाँ, इसे देख के लग रहा है कि ये दूसरे को नौकरी पे रख सकता है और ये काम ढूंढने आया है। बॉस 5 मिनट रुको। ए डाल रहे, डाल। इन्हें ऑयल मार्केट तक छोड़ दो। ओके। हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी मैं कोशिश करूंगा। मोहम्मद अली रोड। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े रहना। कम टू गेटवे ऑफ इंडिया टुनाइट शार्प 11। ये क्या बोल रहा था बे? कह रहा था शंकर भाई अच्छे आदमी है। मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जाके गंगा को बताना है। हाँ हाँ। क्या बताओगे? यही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज्जत है उसकी। स्टॉप! मैं उसका कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं वो ज्यादा ही शांतपति कर रहा है। चल चल। संकट से हनुमान छोड़ावे, संकट से हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दादाजी आप ऐसे रात भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा तो तुम चैन से सो भी नहीं पाओगे। वो क्यों? यंग मंग चूं वो आ जाएगा यहाँ पे। वो कौन है? हम लोगों से पहले वही रहता था इस घर में, हैं? वो बिजनेस में बर्बाद हो गया, इसीलिए फांसी लगाकर मर गया। वो देखो उसकी फोटो। और उन सभी की आत्माएं यहाँ भटक रही है। उठो सब लोग। उस खोसर से पैसे मांगेंगे तो वो चिल्लाएगा। एक आइडिया है, आज से इस घर में भूत तेल पिएगा, सब्जियां भी खाएगा, रोटियां भी खाएगा। ऑपरेशन यंग मंग चुंगे, अंडरस्टैंड? यस कैप्टन। ये तो मैं हूँ। याई चू यंग लिंग भंग लिंग भंग चंग 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 चा आ लक्ष्य के बक्ष्य के लक्ष्य के आई गंगा। हाँ, नींद में भी गंगा गंगा। आप कौन है भाई? यंग मंग चंग। आप यहाँ क्यों आए भाई? ये घर मेरा है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। मुझसे पूछने वाला तू कौन है बे? चुपचाप सो जा चुपचाप। पीठ खुजा दे मेरी। और खुजा दम नहीं है क्या? अरे मिल गई। कौन है तू? चंग मंग चुंग। क्या देख रहा है बे? तेरी बीवी कहाँ है? चश्मिस भूत को भी नहीं छोड़ेगा क्या बे? वो क्या है ना, वो बहुत ही कड़क आइटम थी ना, उसको सिर्फ एक ही बच्चा हुआ क्या? फैमिली प्लानिंग कर रहे थे। तूने किया या उसने?
दूसरों की फैमिली में झांकता है, कितना इंटरेस्ट लेता है मनुष्य जाति में, सड़ के मरेगा बे। ज्यादा बकवास मत कर वरना तेरी फैमिली को प्लेन कर दूंगा, समझ गया बे? अब चल निकल यहाँ से। यंगे मंगे चुंगाए नमः। चीयर्स। अंदर आ जाओ दोस्त। मुंबई में कैसा लग रहा है? शहर मेरे लिए नया है लेकिन धंधा नहीं। तुमने गांव में एक सवाल किया था कि कोई 200 में तेल खरीद के 140 में बेचे तो फायदा कैसे होगा। तुम्हें उसका जवाब नहीं मिला था ना? मैं देता हूं उसका जवाब। फॉरेन में अपनी पढ़ाई खत्म करके वो खाली हाथ नहीं आया था, व्हाइट ऑयल अपने साथ लेकर आया था। व्हाइट ऑयल 30 रुपए प्रति लीटर, ना उसमें स्वाद है ना कोई रंग है और ना ही खुशबू है। ये मिडिल ईस्ट से जहाज से गैर कानूनी तरीके से मंगाता है। मूंगफली के तेल में मिला दो तो मूंगफली का तेल बन जाता है, और खोपरे के तेल में मिला दो तो खोपरे का तेल बन जाता है। कृष्णा, व्हाइट स्वान मेरा ब्रांड, पिछले 60 सालों से मेरा फैमिली बिजनेस था, उसने उस स्वान को मरोड़ के मार्केट में मुझे खत्म करके उठाकर बाहर फेंक दिया। पैर पकड़ना छोड़, सीधा मुद्दे पे आ। मैं उसका नामो निशान तक मिटाऊंगा, उसके मुंह पर पूरी तरह कीचड़ पोतना चाहता हूं। डील ओके है ना? कृष्णा। अरे दादाजी, आप चाय लेकर क्यों आए? अरे मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ बेटा, यहाँ सब मेरे बच्चे जैसे हैं। ये लो चाय पी लो। लादे, मेरी बारी है। मेरी बारी। तुम सब यहाँ गोटी खेल रहे हो, खाना नहीं बनाओगे क्या? हमें भी खाना बनाना अच्छा लगता है लेकिन तेल खत्म हो गया है। इतनी जल्दी तेल खत्म हो गया? पिछले हफ्ते तो लाया था। अब खत्म हो गया? तुम कहो तो सब्जी में पानी का ही तड़का लगा दें। तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो इससे अच्छा मैं चेन्नई वाले होटल में जाके सुसाइड कर लेता हूँ। खुशी पटाके, यहाँ से गया ना दूसरी जगह काम नहीं मिलने वाला तुझे। जाओ तैयारी करो, तेल लेके आता हूँ मैं। इस घुसन बुड्ढे को ऐसे इधर उधर घुमाते रहो। दादाजी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा मैं खाना बनाने का तेल लेने। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। कृष्णा, तुम्हारे पास इतने सारे तेल के डिब्बे और तुम मुझे 5 लीटर देने में झिझक रहे हो, क्यों तुम मुझे नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है दादाजी, यहाँ तो तेल के सिर्फ 100 ही डिब्बे हैं। मेरे गाँव में तो 2 ट्रक भरे हुए खड़े हैं, अगर 5-5 लीटर बेचूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? कृष्णा, संख्या की शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही हुई है। बूंद बूंद से नदी बनती है और फिर सागर का निर्माण होता है। एक काम करो, तुम 5 लीटर के बदले मुझे एक टीन दे दो, मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ। एलो। अरे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, आप पैसे ले लीजिए। व्यापार में बोनी मत खराब करो। लो। ऑयल मार्केट में शॉप नंबर 32 है, शौकत अली मिलेगा, वो मेरा पुराना दोस्त है, उसको जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जी बिल्कुल। काम खत्म करके शिवाजी महाराज के सामने खड़े रहना। हाँ ठीक है। भैया कौन है रे तू? कौन परमिशन दिया तेरे को अंदर आने को? शॉप नंबर 32 में जाना है मुझे। ओ, कर्नाटक से है तू? ए, बात करे इससे। तुझे छोटा मोटा व्यापार लग रहा है, पानीपुरी का छोटा मोटा धंधा समझा इसे। ऑयल, ऑयल बिजनेस है ये। ऑयल एसोसिएशन परमिशन है क्या? फूड अथॉरिटी परमिशन।
यूनियन परमिशन, आईएसआई परमिशन है क्या? नहीं है। इन सबकी परमिशन लेने के बाद भी तुझे हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ गया? हट बे साले। सर 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 सर, लात मत मारिए, नंदी हमारे भगवान है। क्या? नंदी भगवान है? तेरा होगा, हमारा भगवान नहीं है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सबकी कब्र खोद दूंगा। तुम यहाँ तेल बेचने आए हो या लोगों का तेल निकालने आए हो? तुम्हारा ही नाम कृष्णा है ना, वो सदाशिव हेगड़े ने भेजा है ना? मेरा ही नाम शौकत अली है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की भाषा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मारपीट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई, अल्लाह के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाइयों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। भैया भैया, इस जगह पर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ भैया, इस जगह से चले जाओ भैया। अरे भाई, आप इधर रुक गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आगे जाइए। हाँ जाइए। भैया भैया रुको भैया, ये ट्रॉली हमारी है भैया, दे दो भैया। तो बड़ी जल्दी सड़क पर आ गए।
फोन पर तुम्हारी बात सुन के लगा था तुम यहाँ आके आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो, पर तुम्हें तो यहाँ पैर रखने लायक जगह भी नहीं मिली। वेस्ट हो गया ना सब कुछ। रुको, किससे मिलना है? अपॉइंटमेंट है क्या? जाके कहना कृष्णा आया है, अपॉइंटमेंट दे देगा। काम क्या है ये बताओ। देवी शेट्टी से माफी मांगने आया हूं। यहाँ कृष्णा कौन है? हमारे एमडी से सॉरी बोलने तुम ही आए हो ना? जूस पीकर ऊपर आ जाइए। नो थैंक्स। वापस चलते हैं ना कृष्ण। पहले अंदर तो चलो। बोलो, क्या मदद करूं तुम्हारी? मैं यहां सिर्फ अपने गांव वालों के लिए आया हूं, बाकी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो उसकी सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ दी है तो मुझे माफ कर दो, पर उन लोगों का तेल खरीद लो। अभी थोड़ा मजा आया ना? वेरी गुड, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। एनीवे, आई एम हैप्पी। यहाँ ऐसे माफी मांगोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। माफी उनके सामने मांगो जिनके सामने मेरी इंसल्ट की थी, मजा तब आएगा। लुक लुक, तुम्हारा प्यारा कृष्णा मुझसे सॉरी कहने आया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे गांव को पाल सकता हूं कृष्णा। तुम्हारे गांव वालों के लिए मेरे पास बहुत सारा रोजगार है। गारमेंट फैक्ट्री लगाऊंगा, ईंटों की भट्टी लगाऊंगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुम्हारे पूरे गांव की तेल मिल बंद। तेल की कोई मिल नहीं खुलेगी। बाकी कोई भी काम करो मैं मदद करूंगा, लेकिन तेल मिल नहीं खुलेगी। आओ। यहां आराम से बैठो। ए ब्रोकर, अभी जो तूने तुरतुरी बजाई है ना, ये मैं अपने गांव वालों को पहले ही सुना चुका हूँ। तू उनके काम ठप कर देगा, उनके ब्रांड हड़प कर उन्हें भिखारी बना देगा। हा? क्या करेगा बे, ये गांव वाले बहुत भोले होते हैं, तेरी चालबाजियां वो नहीं समझेंगे, लेकिन अब तेरी बकवास सुनने के बाद वो सब तुझे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तुझ पर तरस आ रहा है रे, घूर क्या रहा है बे? गांव वालों के रिएक्शन देख। आज तक मैं अपना तेल तेरे ही मार्केट में बेच रहा था, लेकिन आज के बाद मैं इन गांव वालों का तेल भी बेचूंगा। ए दल्ले, जो उखाड़ना है ना उखाड़ ले। सॉरी बोलो वरना जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम हुल्ली दुर्ग वाले जब अपने पे आते हैं तो किसी के बाप की नहीं सुनते, सीधा फोड़ डालते हैं। You bloody Indian, you! इंडियन मत बोल, भारतीय बोल। कोई पानी मांगे तो हम उसे जूस पिलाते हैं। अगर तूने मेरे गांव और मेरी जन्मभूमि पर गंदी नजर डाली तो चीर दूंगा। hey! डॉक्टर कहता है कि तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तेरा तो वैसे ही बढ़ गया बे। हम तेल निकालना जानते हैं, अब चाहे वो नारियल का तेल हो या तुझ जैसे सुअर का। तेरी भलाई इसी में है कि सुधर जा, वरना सुधार दूंगा मैं। कम स्वीट हार्ट। यही 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 तो है बॉस, कावेरी लेके चला देखो बड़ा बॉस, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। यस बॉस, ही इज बॉस।
चुकंदर 12 किलो, 12 किलो, शिमला मिर्च 3 किलो, शिमला मिर्च 3 किलो, 2 किलो भिंडी, 2 किलो भिंडी। काका जी, हाँ, कृष्णा से मिल लो, कृष्णा किचन में जाकर मिल लो। हाँ, कृष्णा जी तुम कहाँ हो? उधर मुंबई के सबसे बड़े और खतरनाक डॉन की बैंड बजा दी और यहाँ बैठ के आलू के चिप्स तल रहे। भाई मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रेड्डी, मेरे बारे में मत सोच, हर कोई नहीं समझ पाता। बता क्यों आया? बिजनेस डील। उस दिन सुपारी दे रहा था और आज बिजनेस डील करने आया? कृष्णा, सीरियस मैटर है, कॉमेडी मत करो। चल बोल। कृष्णा, बाजार में तुम्हारे ब्रांड की जबरदस्त मांग है। डिब्बे वाले के साथ मिलकर तुमने जो अपना धंधा बढ़ाया है, आज तुम चाहो तो अपनी खुद की बड़ी सी कंपनी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? तुम्हारे इस ब्रांड पर ISI की सील नहीं है। अगर इस पर वो सील लग गई तो देखते ही देखते पूरे मार्केट पे कब्जा कर लोगे। अब तुम्हारे गांव चलते हैं, वहां जितना भी तेल है वो हम खरीद लेते हैं, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कृष्णा प्लीज मान जाओ ना। इस गोल्डन ईगल कंपनी को हम दोनों मिलकर बर्बाद करेंगे। हेलो दादी माँ, कल कृष्णा गांव वापस आ रहा है अपने नायक जी से तेल खरीदने के लिए, उनको बता देना। ठीक है, बता दूंगी। हेलो हेलो, मैं कृष्णा की दादी जेमा बोल रही हूँ। क्या हुआ जेमा? कल ना मैं और मेरा पोता तुम्हारे घर आ रहे हैं। मेरे घर पे आ रही हो, लेकिन किस लिए? तेल की बात करने। क्या बोला? हे भगवान, इस बहरी को सुनाई नहीं देता। अब तेल लेने, अरे कुछ खास बात करनी है। नायक, कल सुबह सुबह कृष्णा जेम्मा हमारे घर आ रहे हैं शादी की बात करने। भाभी। बोलो भाई, इसमें चले? इसमें? उसमें? उसमें। ये क्या भाई, वो तो मेरे दादा के जमाने की गाड़ी है, मैंने यहाँ सारे लेटेस्ट मॉडल मंगवाए। रेड्डी, बेंस गाड़ी का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उसी में जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा था ना, खटारा गाड़ी है। जय हो प्रभु जी। क्या खूबसूरत गांव है। रेडी, मुझे लगता है कि इसकी बैटरी वीक हो गई है। मैं स्टार्ट करता हूँ, तू धक्का मार। दिमाग खराब है क्या? अच्छा तो तू स्टार्ट कर, धक्का मैं मारता हूँ। मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुझसे? अरे भाई दया करो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। क्या बे, तुझे ड्राइविंग नहीं आती? धीरे धीरे धीरे, कोई सुन लेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। लो कर लो बात, एक काम करो। हाँ। तुम धक्का मारो। मैं? हाँ। ओए, झुक के क्या कर रहे हो? बैल आने वाला है, तुम्हारी लग जाएगी। ए, हेल्प करना। मुझे क्या देगा? क्या चाहिए बोलना। कोट। कोट लेगा? ले, अब मार धक्का। ओके। मारना जोर से। कृष्णा। ओके बाय। मैं नहीं आता, तू आ। अरे रिवर्स गियर में डालना, गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। ए, इस गाड़ी ने सिर्फ आगे जाना सीखा है, पीछे कभी नहीं जाती। अगर ब्रह्मा भी आ जाए ना तो भी मैं आगे नहीं आऊंगा, तू ही पीछे आ। अब तेरे ब्रह्मा तो नहीं आएंगे, लेकिन तू दौड़ के जरूर आएगा। क्या? पलट के देख।
क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ? तेरा कोट कहाँ है रेडी? यहाँ के मजदूर तो बहुत ही कॉस्टली हैं कृष्णा। कृष्णा भैंस भी बैठेगी क्या? अगर मैं अपना तेल इसे बेचता हूँ, इसके नंदी ब्रांड का छोटा सा लेबल चिपकाऊं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं? कौन बोलने वाला है? लगाओ ना। एक मिनट। अब क्या लेने आया तू भाई? इसे हम सबने अकेला छोड़ दिया था, ये अकेला ही मुंबई गया और तेल बेचकर हम सबकी इज्जत बचाई। छोटा सा स्टिकर नहीं, बड़ा स्टिकर लगेगा। नंदी हमारा भी भगवान है, आज से हमारा एक ही ब्रांड नंदी ब्रांड रहेगा। लेकिन एक शर्त पर, पहले ये अपने को माफ कर दे तभी मैं इसको अपना ब्रांड दूंगा, वरना नहीं दूंगा। जा तू भी क्या याद रखेगा, माफ किया तुझे। सर, रेड्डी कृष्णा से मिल गया है और तेल खरीदने गांव गया है। अगर वहां से तेल आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब खेल में मजा आ रहा है, खेलने दो उसे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। अब्बा सलाम। जीती रहो, बैठो। नमस्कार सर। तुम भी बैठो। अब्बा ये कृष्णा है, मुंबई में ये। हाँ जानता हूँ, मार्केट में देखा था इसे। आपके बेटे इरफान अली ने ऑयल माफिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, गंगा ने मुझे बताया था। उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो क्या आप मुझे दे सकते? जिस कंधे पर बिठाकर बेटे को बड़ा किया था, उसी कंधे पर उसका जनाजा भी उठाया था मैंने। और जनाजा उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब्बा दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहां से। जो सच को दफन कर दे ऐसी कोई कब्र नहीं बनी सर। ये क्या नाटक है, सभी डिब्बों पर नंदी चिपके हुए हैं। इतना ही नहीं कैप्टन, हमारे इस गोडाउन में 12,000 टीन के डिब्बे हैं। सुपर, यहाँ से 4 डब्बे ले चलते हैं, उसे बाजार में बेचकर फॉरेन स्कॉच गटेंगे सब लोग। उठा 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 उठा। लुंगी उठा के पेंदी रखने में बड़ा मजा आता है, ठंडा ठंडा। कैप्टन क्या है? इसमें मेरा हाथ चिपक गया। क्या गधा आदमी है ये भी, ए हाथ छुपा। अरे रुक। कल ये मुंह कैसे धोएगा? मुंह बंद कर घोड़े, हंस क्यों रहा है बे? मैं इसको देख के नहीं हंस रहा है, मेरे को आपको देख के हंसी आ रही है। अरे क्यों बे? क्योंकि तुमने अपनी लुंगी उठाई और डब्बे पे बैठ गए, आपको तो चड्डी पहनने की आदत भी नहीं है। तुझे भी पता है। अबे वो टीन अलग है, ये टीन अलग है। जरा उठ के दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। उठो उठो। अबे ये तो चिपक गया बे, अबे निकाल बे। अबे मुझे नहीं बे, डब्बा निकाल बे। अरे 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 फंस गया। आप बोल रहे थे कि मैं अपना मुंह कैसे धोऊंगा, आप पिछवाड़ा कैसे धोगे? नाइस जोक की पड़ी है, ये सोच निकलेगी कैसे? अरे चुप है, ये कॉमेडी का टाइम नहीं है बे। जा उस बटले को ढूंढ के ला, जा। आओ बेटा आओ। क्या बे? उस बेचारे का हाथ उसमें चिपक गया है, अगर तुम उसका हाथ उसमें से छुड़ा दोगे तो तेरे इस गणपति को कुछ खिला दूंगा। उसके हाथ का जाने दो, अपनी तशरीफ के बारे में सोचो, सुबह कैसे करोगे और भूखे कैसे। भगवान कसम मैंने कुछ नहीं बताया कैप्टन, ये खुद ही जान गया। ए अमिताभ बच्चन, इससे अपनी पेंदी छुड़ाने का कोई सलूशन बता दे। सलूशन की वजह से चिपक गए, सलूशन तो मैं छोड़ा नहीं सकता, काशी के पास जाओगे तो तभी कुछ हो सकता है। काशी मेरा अपोजिशन पार्टी वाला। काशी 160 इडली, 140 पूरी, 150 वड़ा, 520 डोसा, 600 क्या सिंसियरिटी है, क्या सिंसियरिटी है। काशी जरा इस तरफ मुंह कर भाई।
नमस्ते कैप्टन, इस समय मेरे इस बच्चे ने एक बेवकूफी कर दी है। टीन उठाते समय हाथ उसमें चिपक गया। अब देख, हम सभी साथ में काम करते हैं ना, तो इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। तुम बस इसे छुड़ाने का सलूशन बता दो, ये जान जाएगा तो खुद ही छुड़ा लेगा। उसके हाथ की बात छोड़, तू अपनी डिक्की के बारे में सोच। अगर ऐसी ही चिपकी रही तो कल सुबह कैसे जाएगा? सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन तो शंकर को पता है। शंकर, गंगा। अबे गंगा कोई उबर कार नहीं है जो तेरे बुलाने से चली आएगी। जगन मोहन आया है, उठ जाए मेरे भाई। कौन है? मेरी पेंदी लेंदी हो गई है, गलती से इस पे बैठ गया था। हेल्प मी प्लीज। ए, गंगा को बुलाओ। नहीं भाई, नहीं। अबे गधो सो जाओ। क्या सर, आप जाग रहे हैं? अरे मैं तो रोज ही जागता हूँ जब तू दारू के लिए तेल चुराया करता है। अब उसी दारू से छुड़ा ले अपने आप को, इसी वजह से तेरी महीने की सैलरी काट। जब तेरा उस डब्बे से पीछा छूट जाए तो आके मेरी पूरी पीठ खुजा देना। हाँ बोल रेडी। हेलो भाई। छपाई चल रही है, सील मिल गई ना? हाँ 12 बजे तक मिल जाएगी, उसी के इंतजार में हूँ। मेरे भाई कल से तुम हर तरफ राज करोगे, नंदी एम्पायर। इंतजार करो, जल्दी बताता हूँ। इस वक्त को भाई हमेशा याद रखना, बुरा समय अब खत्म हो चुका है। क्यों सब, क्या हुआ? नंदी तेल कंपनी यही है? नंदी ब्रांड का ओनर तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। वेयर हाउस किधर है आपका? हेलो हेलो, आखिर हुआ क्या है, ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? ऐसे पता चला तुम्हारे ऑयल में केमिकल है। You are under arrest. नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये कृष्णा ऐसा नहीं है। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। गंगा को फोन करो। गंगा, तेरे जैसा कोई बेवकूफ नौसिखिया ही इस मुंबई के मार्केट में पैर रखने की हिम्मत करता है। पैदाइशी राजकुमार है, किंग ऑफ मार्केट, इनकी ठाट तो देख। अब ये लोग तुझे यहाँ के कोर्ट नंबर 82 में लेके जाएंगे। वहाँ का जज है पट्टा भेरा। अगर सबूत सच है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, सीधे जेल में जाएगा। लॉयर प्रताप सिन्हा को इतना खिला दिया है कि तू कितना अच्छा आदमी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हैप्पी जर्नी। आई लव चैलेंजेस। योर ऑनर, ISI के सर्टिफिकेट के लिए नंदी ब्रांड कंपनी ने अप्लाई किया था। उस नंदी ब्रांड ऑयल में 40% लिक्विड पैराफिन पाया गया। ये लैब रिपोर्ट्स है योर ऑनर, ये है इसके टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स, देख लीजिए। लिक्विड पैराफिन योर ऑनर एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। यदि इस तेल का इस्तेमाल लड़कियां करें तो वो समय से पहले ही मैच्योर हो जाएंगी योर ऑनर, ये कहना चाहता हूं मैं। लड़कियों के अलावा ये आम लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर, शुगर हो सकता है, एंजाइटी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती है योर ऑनर। हम जानते हैं कि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, लेकिन ये नहीं है। इस तरह से जहरीले तेल बेचने वाले कटघरे में खड़े जहरीले इंसान को, नंदी ब्रांड के मालिक कृष्ण को, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे छोड़ा ना जाए, यही मेरी इस न्यायालय से गुजारिश है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तेल मिलावटी है, आप ये मानते हैं? हाँ मानता हूँ सर।
लिक्विड पैराफिन कितना जहरीला होता है इसका अंदाजा है आपको? जी बिल्कुल। जानते हुए भी ये अपराध करने की हिम्मत कैसे की आपने? ठीक है, अब इस पर बहस करने के लिए कुछ नहीं बचा। आप अपने बचाव के लिए कोर्ट में कुछ कहना चाहते हैं? सर, आपके रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो सब बिल्कुल सच है। वो तेल मिलावटी है ये भी सच है, लेकिन एक झूठ है सर, वो तेल का पैकेट मेरा नहीं, ये पैकेट उस फेमस बड़ी कंपनी का है जो लाखों लोगों को अपना तेल बेच रही है, और इत्तेफाक से उस कंपनी का मालिक हमारे देवी शेट्टी जी हैं। वो देखिए वहां बैठे हैं। नो योर ऑनर, ये केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस केस का देवी शेट्टी से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अगर इससे संबंध नहीं है तो क्या वो यहाँ 2020 का मैच देखने के लिए आए? सर, आपके पास एक रुपए का सिक्का है? क्यों? उस तेल के पैकेट को जरा उस सिक्के से स्क्रैच करके देखिए। वो क्यों, कोर्ट में तमाशा करना चाहते हो क्या? आई एम सॉरी सर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ लो। सर, मुझे कहीं भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तेल प्योर है। मुंबई में 120 डब्बे वाले रोजाना 5,00,000 लोगों को खाना खिलाते हैं मेरा ही तेल इस्तेमाल करके, आप पता कर सकते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इस कोर्ट के कैंटीन में मेरे ही कंपनी के ब्रांड का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। सर, हम गांव वालों को सिर्फ पैदा करना आता है, मिलावट करना नहीं। यदि आपको अभी भी शक है तो यही जांच करवा लीजिए। अगर मेरे तेल में आपको 1% की मिलावट मिली तो अगर आप मुझे फांसी की भी सजा देंगे तो मुझे मंजूर है। हेलो, हमने सुपरमार्केट से कल जो तेल खरीदा था ना? हाँ जी, 2 लीटर गोल्डन ईगल का। हाँ, वो दोनों पैकेट लेकर तुम अभी तुरंत कोर्ट में आ जाओ। आते वक्त 115 में जो केपी पाटिल रहते हैं ना, उनको भी साथ में लेकर आना। ठीक है। हेलो मिस्टर देवी शेट्टी, कोर्ट की कार्यवाही चलने तक आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। सर प्लीज बैठ जाइए प्लीज। नमस्कार सर। रिटायर होने के बाद तुम अपना काम तो नहीं भूल गए ना? अच्छा कृष्णा वेनी, वो दोनों तेल के पैकेट पाटिल को दे दो। ये लीजिए पाटिल जी। हाँ। एक गोल्डन ईगल का तेल है और एक नंदी ब्रांड है, इनमें से मिलावट की मात्रा मालूम करनी है। क्यों वकील साहब, बेईमानी के पैसे से ईमानदारी बिक चुकी है ऐसा लगता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नंदी का तेल शुद्ध है और गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल कंपनी के तेल में 40% लिक्विड पैराफिन की मात्रा पाई गई है, मतलब कृष्णा का इल्जाम सही है। देवी शेट्टी को तुरंत कस्टडी में लिया जाए। यस सर, ये गलत है, आप कैसे? जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती, गोल्डन ईगल कंपनी और उसमें बने प्रोडक्ट को सीज कर दिया जाए। पूरे देश में गोल्डन ईगल कुकिंग ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। बिजनेस टाइकून देवी शेट्टी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनकी कंपनी के तेल में पैराफिन की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब तुझे दिखाऊंगा कि देवी शेट्टी कौन है। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो तुझ पर फिट बैठती है। मुझे इरफान अली समझा है। जानता है जब तक समंदर शांत रहता है ये पूरी दुनिया बड़े चैन से सोती है, लेकिन जब उसका सब्र टूटता है तो सुनामी बनके कहर बन जाता है।
कैडबरी। आई लव चैलेंजेस बोलता है ना, जा जेल की कोठरी में उनको सुनाना। क्या रे रेडी, आजा। मेरे लिए क्या पैकेज सोचा है भाई? अच्छा ये बताओ, कैसे पता चला कि मैं और देवी एक ही साथ हैं? जब तूने मुझे भाई बोला तभी समझ गया था कि तू कोई गधा वधा नहीं बल्कि गधे से भी गया गुजरा है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, एक दिन खुद उस गड्ढे में गिरता है। लेकिन असली सुल्तान वही होता है जो दूसरों को सुल्तान बनाता है, उनकी मदद करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन और अच्छी तरह समझ भी ले। विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? हीरो की। आया 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 सबका है ये बॉस, शेरी है देखो यारो ये है सबसे खास, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। He's right, he's boss. क्या नहीं होगा ये? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ना कुछ नहीं। भाई भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या है? बस एक जानकारी चाहिए थी। एक रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, 50 और 100 रुपए का कूपन स्क्रैच करके अपना फोन रिचार्ज करते हैं। आपने उसी एक रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कंपनी को स्क्रैच करके स्क्रैप बना दिया उसे। कैसे कर लिया भाई? ये सब मेरा नहीं तेरा किया हुआ है। मैंने किया कृष्णा, तुम जिस इरादे से अपना गाँव छोड़कर यहाँ मुंबई में आए थे वो आज पूरा हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ दादाजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देवी, जो लड़का गांव में कंचे खेला करता था उसे तुमने शहर बुला लिया फुटबॉल के लिए, और अब वो गोल पे गोल किए जा रहा है भाई। उसे लग रहा है कि मुझे जेल भेजकर वो जीत गया है, लेकिन फिलहाल वो जेल में तो बंद है, लेकिन सिर्फ मिलावट के केस में। लोअर कोर्ट में हार गया तो हाई कोर्ट में अपील करेगा, अगर वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल तो ले ही लेगा और दोबारा वही बिजनेस शुरू करेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे गांव तक भी पहुंच जाएगा। अब हमें उसके बिजनेस और पूरे साम्राज्य को जड़ के साथ खत्म करना है। जिस आदमी को अपने पैसे पर घमंड हो उसे जड़ से बर्बाद करना इतना आसान नहीं। देवी, उससे उलझना आसान नहीं है, उसने पहले से ही हमारी कब्र खोद रखी है। और सुनो, ये पता चलने के बाद कि हमने ही इरफान अली को मारा है, वो और गहराई में जाकर सबूतों को ढूंढेगा। कैसे हो सदाशिव हेगड़े? मेरा बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसका कत्ल हुआ था। उसका जनाजा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, लेकिन अब उसके उस अधूरे काम को पूरा करना है। खुदा ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान बनेगा कृष्णा। भैया क्या है? भैया इरफान अली का बाप शौकत अली कृष्णा के पास चला गया है। देवी तू डर मत, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। डब्बे वाले हाउस से सभी को बुलाओ और मेरे गोदाम पर लेकर जाओ। आज रात को मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। ये देवी शेट्टी आज तक कभी नहीं हारा है और ना ही कभी हारेगा। ये तो अकेला ही बैठा है, यहां जो थे सारे के सारे कहां गए? छोड़ूंगा नहीं। डॉक्यूमेंट्स दे दे। ए रेड्डी, गन दिखा रहा है फिर भी तू कांप रहा है? तेरे पास भी तो कुल्हाड़ी है। हाँ तो गन फेंक और ले ले। मैं तेरे सारे टैलेंट से वाकिफ हूँ, इल्जाम तेरे सिर पर था, लेकिन सलाखों के पीछे कोई और खड़ा है, मुझसे मत खेलना। डॉक्यूमेंट्स दे दे, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। कैप्टन, चेक कर। भाई इंग्लिश में है, नो रीडिंग इंग्लिश।
ऑक्सफोर्ड लेवल। ओ, तो पढ़ के दिखा। अनपढ़ चोर, खोल इसे। गांधी जी मर गए भाई। महात्मा गांधी मर गए। महात्मा गांधी मर गए और क्या भाई। महात्मा गांधी को मरे 70 साल हो गए। आगे पढ़ आगे। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई भाई। इंदिरा जी भी मर गई। इंदिरा जी आपका अबे ओए, उनको भी मरे 34 साल हो गए। अगला देख, इसको ज्यादा देर तक रोकना मुश्किल है। हैप्पी न्यूज, HD देवगौड़ा बन गए हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री। बधाई हो। अबे कैप्टन, तुझे डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा था, पुराने न्यूज़पेपर क्यों पढ़ के सुना रहा है ये। हेलो, क्या हुआ देवी? यहाँ ना तो डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही डब्बे वाले, सिर्फ कृष्णा है यहाँ। गोली मार दूं कैसे? मुझे पता है उससे डॉक्यूमेंट कैसे हासिल करने हैं। सबसे पहले तू वहाँ से निकल। ये तुम क्या कह रहे हो देवी? तुम नहीं चाहते इसे मारूं? उसकी तरफ ध्यान से देख, तू उसे मार सकता है क्या? एक मिनट, थोड़ा रिस्की तो है, डाउट है। मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप सुन, निकल वहाँ से। कूल भाई, चलता हूँ। भाई, भाई रख दे पेटी वहाँ पे। कैप्टन, ये तो गया यहाँ से, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा मैं देख लूंगा। कृष्णा, लेकिन तुम अकेले? खतरों से खेलना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम जाओ यहाँ से। आपको यहां आने से मना किया था, क्यों आए हैं यहां? आप अकेले आए हैं? जब भी कोई समस्या आती है, कृष्णा बचा लेता है। जो बच्चा बचपन में कंचे से खेला करता था, आज वो मुंबई में अपनी कंपनी जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बैठ जा। बचपन में तुम क्या कहा करते थे? कावेरी भी मेरी है और बेंज कार भी मेरी है। कावेरी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तुम्हें कौन बताता था? कोई मुझे फोन करके बताता था। मतलब आप? हाँ मैं। कृष्णा कावेरी हमेशा एक साथ रहे, मैं ये चाहता था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अभी सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। अगर मैं सो गया, सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा कृष्णा। इस शरीर को दफनाने का समय आ गया है। नायक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए। उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया है जिंक फास्फेट से, चूहा मारने का जहर। एक बार शरीर में चला गया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आदमी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसने मुझे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेजा है, यही उसका प्लान था। अगर मैं डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुंचा तो कावेरी। कृष्णा, तुम वादा करो, तुम कावेरी और गांव वालों की रक्षा। नायक जी, नायक जी।
अगर ये काम तुमने पहले ही कर दिया होता तो एक जान बच जाती, जाने अनजाने उसकी मौत का कारण तुझे ही माना जाएगा। ओए कृष्णा, तू क्या सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा तो इसे जिंदा छोड़ देंगे? अब ना तो ये बचेगी और ना ही तू बचेगा। अब इसे छोड़ दे या मार दे, लेकिन तुम सब जरूर मरोगे। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। अब तुझे सीधे ऊपर पहुंचाना है, बचेगा नहीं तू। Thank you.
सोचा क्या कर रहा है रे? तू इसका फोटो क्यों ले रहा है? तुझे ये रेस जीत कर गाँव का नाम ऊंचा करना है। गुना सिंगम नहीं जीतना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई। पेरुनाही रणा सिंगम, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र, वनावन माँ देवी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, पंचवन माँ देवी कुंभ राशि पुरातटी नक्षत्र, सेम्बियन माँ देवी कर्क राशि पुनर्पुसम नक्षत्र, तामराई मनाला सेडियार। क्या मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है? ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है ना। और ये है सबसे छोटी बहन की बेटी का पति मतलब पिताजी महालक्ष्मी। अरे बस चालू करने को बोलो ना, हम लोगों को देरी हो रही है। वैभव लक्ष्मी अभी तक गए नहीं। एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना। अरे तू चली जा, जब देखो गाना गाते रहो। और ये दूसरी बहन का पति है। दो भाइयों ने दो बहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाइयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। संयुक्ता कितने भी लोग हो प्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही मानिक राव। गाँव की बजाय तू भाई को सपोर्ट कर रही है, कितनी स्वार्थी है। पूनम रानी। और ये है तीसरी बहन की बेटी झांसी रानी। हमारी तरफ से मेरे भैया हिस्सा लेते हैं, उनके पति इंद्रजीत। अरे अब बस भी करो अपने भाई की तारीफ। नमस्ते। मेरी माँ पद्मावती, मकर राशि थिरुवनम नक्षत्र। और यह है पांचवी बहन, मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अंडाल प्रिय दर्शनी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, शिवागामियम सेल्वम। क्या बात है। ए भाई तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या? इन बैलों को इंसान से ज्यादा इज्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, रेस शुरू होने के लिए सारे बैल इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंकल गुड़ा सिंगम ही जीतेंगे। आज की रेस में मेरे मामा ही जीतेंगे। मामा का नाम क्या है? उनका नाम है गुड़ा सिंगम। शिवा गोत्रम, हस्तम नक्षत्रम, कन्या राशि। सौ बैलों की जोड़ी रेस के लिए तैयार है। सब लोग रेडी हैं? 3, 2, 1। भैया और कौन से? अरे मामा जी कहाँ हैं? साथ पढ़ाई की थी, चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। सुनो,
घर में इतनी सारी कारें खड़ी हैं, ये सब छोड़ के लोकल बस शेयरिंग ऑटो में सफर करना अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छा है मामा, ये सब पापा का कमाया हुआ है। जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगी ना, उस दिन से ही ये सब यूज करने लग जाऊंगी मामा। मेरे साथ बाइक में बैठने को बोलता हूँ तब भी मना कर देती है। भाई लड़की को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी ये अपनी लड़की है, तुझे छोड़ के कहाँ जाएगी, चिंता मत कर। क्या माँ, मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता। बताने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वजह से भूल गई। हाँ ठीक है। ये सब क्या है? गुड़म, तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसकी दिखने का रिवाज ठुकरा मत देना। बनारसी साड़ी पहनकर लड़कियाँ कॉफी लेकर आती है ना, आप भी मुझे उसी तरह देखना, मेरी यही इच्छा है, ठीक है, वही पूरी करना। अरे पागल, माँ से मिल जाना, चलो घर पे, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप भी ना। Cheers! ये देखो। कौन है ये? लड़की अपनी बिरादरी की है, गोड़ा सिंघम की बहन की बेटी है। लड़का दूसरी बिरादरी का है। सच में। ये देखो ना। पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दांत दिखाता है क्या? ए, तो किस गांव का है, कौन है? क्यों, आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? कौन हो इस गांव में पूछ के देख, पता चल जाएगा। तेरे बाप का नंबर दे। क्यों? अरे दे मेरा फोन। हाँ बोल बेटी। मैं कोडियारसू बोल रहा हूँ, एक जरूरी बात बता दूँ, तुम्हारी लड़की जो है ना बस स्टॉप पे प्यार कर रही है। ये मेरा फ्रेंड है। थोड़ा संभाल के रखो। हमारे खानदान की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती है। मेरी बेटी कहाँ जाती, क्या करती है, देखने के लिए गुण सिंघम है ना, फोन रख। आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा ना। देखा तो हाँ, बोलो पूनम। हेलो गुणा, फोन दो, फोन दो इधर। हेलो गुणा, कॉलेज छोड़ कर हमें मार रहे हैं, मेरा फोन दो। भाई ने जैसे बोला ना वैसे 300 बार उठक बैठक करने का। तू हमारी बिरादरी की लड़कियों को छेड़ता है? हाँ क्या कर रहा है? चलो उठे, अगर 3 दिन भी लगे तो भी लगाना है, चलो उठ। हाँ चल। गुणा वो मेरा फ्रेंड है। गुणा ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे थे और ये लोग आकर गंदी गंदी बातें करने लगे, मेरा फोन भी छीन लिया मुझसे, उन्हें छोड़ना मत गुणा। छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या? फोन करके बुला अपने बिरादरी के हीरो लोगों को। सही कहा। क्यों बे, एक लड़का और लड़की हंसकर बात करे तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है क्या? और इतनी चिंता क्यों हो रही है हमारे घर की लड़कियों के लिए? जाति वोट यही ना, हम अपने घर के बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे, वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं, ये सारा खेल मेरे साथ खेला है। जातिवाद पार्टी चलाना, जात के नाम पर व्यापार करने वाला, जाति को मिटाने की बात करके उसे पालने वाला, इन सब को चला कर राख कर दूंगा। चलो उड़ा भागो यहाँ से। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। मैं अनपढ़ हूँ। हाँ? फिर इसे कहते हैं अनपढ़। जाबे। चलो चलते हैं। ठीक है। अपने एरिया में अपना भाव बढ़ने लगा है, ये बात याद रखना। अगर उसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, ये कोडियारसू उस पे भारी पड़ेगा। चल जा रहे। मामा, सोडा बोतल के बारे में फुल डिटेल पता चल गया। हाँ। नाम है कनका। आहा, क्या शुद्ध नाम है। तो मेरी माँ शिवगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या?
इकलौती औलाद है, बहुत पैसे हैं, कार में चल सकती है वो। इतना धन होने के बाद भी वो बस में चलती है क्योंकि उसे सादगी से रहना पसंद है, इसलिए मैंने उसको पसंद किया। सही है। मामा हंस क्यों रहे हो? नहीं यार, उस लड़की की सादगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, मैंने तो उसको ढूंढ लिया। आप एक गूगल हो मामा। गूगल नहीं, गूगल। अच्छा ऐसा है क्या? घर की एक लौती बेटी है, आज के बाद कभी रेस्ट करना हो तो ससुर जी के घर पे। ऐसे शरीर ऐंठ रहा है, लगता है पूरा बकरा ही निकल गया है। पापा आपने कभी प्यार किया है क्या? ये सवाल किससे कर रहा है पता है? ये यहीं पर है क्या? पापा आपको उतरने की जरूरत नहीं है, रोड पर खड़े रहोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इससे पहले रथ पर बिठा कर लाते थे क्या? कितने का दिया माँ जी? 30 रुपए का। बहुत महंगा है। पापा उस लड़की को देखिए ना। 15 रुपए के 2 दीजिए, बाकी सब तो सस्ते बेच रहे हैं। आप इतने महंगे क्यों दे रही हैं? कम से कम इतना लंबा दीजिए। एक तो इतना महंगा दे रही है, ऊपर से कम दे रही है। कितनी समझदारी से मोल भाव कर रही है ना वो। इससे प्यार करता है क्या? यही जरूरी बात करनी है कहकर मुझे यहाँ लाया है। अरे नहीं पापा, आपसे पूछकर प्यार करूंगा इसलिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। मुझे गर्व से देख रहे हो या हीन नजर से देख रहे हो पापा? इससे प्यार करेगा या शादी करेगा? मुझे ये वाला, क्योंकि आजकल के लड़के जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करते और जिससे शादी करते हैं उससे प्यार नहीं करते। प्यार करके शादी करने वाला हूँ। फिर पूनम और चंदा? उन लोगों से शादी नहीं कर सकता, और शादी करने के लायक मैं उनको समझता भी नहीं। पूनम से शादी करो तो प्रिया नाराज होगी, प्रिया से शादी करो तो पूनम नाराज होगी। अरे पापा ये सारी बातें सोचकर भी मुझे बहुत डर लगता है पापा। होशियारी से ये खरीद लिया है, ऐसा मत सोचना। बोनी नहीं हुई थी ना, इसीलिए दे दिया। ठीक है बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन कल जब ये बात घर में सबके सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं तेरी माँ भी पूरे घर को सर पे उठा लेगी। उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछ कर प्यार किया है। मुझे फंसाना मत। अरे रे रे रे, ऐसे चोर निगाहों से मुझे मत देख, मैं डर रहा हूँ। ओके चल बाइक स्टार्ट कर। हाँ, ठीक है। एक बात सुन ले, तुझे दादी से लेकर छोटे बच्चों तक को संभालना होगा। बेटे कभी भी परिवार न बिखरने पाए। ठीक है पापा। क्या स्वामी कैसा है तू? कुड़ियार सु, जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हो? अरे यार शादी है, शुभ मुहूर्त निकला है, मंगलसूत्र देना मेरा काम है। बात क्या है? उदय शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना, उसकी कंप्लेन आई है। किसने दिया है? गुणा सिंह ने सर। आप आओगे तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कल नाइट राउंड पे कौन गया था? वॉकी टॉकी कैसे गुम हो गया साहब? इंस्पेक्टर गुणा सिंह जो बोल रहा है वो सब झूठ है, उसके और मेरे बीच में दुश्मनी है। झूठ है तो फिर वहाँ से भाग के क्यों चले गए? जब मैंने किया ही नहीं तो डरू क्यों, इसलिए आया हूँ। हाँ सुनो स्वामी। जी सर। साहब को अकेले में ले जाके समझा दो। हेलो, दुल्हन आ गई है, भाई आ जाएंगे ना? अगले 10 मिनट में भाई वहाँ पे होंगे। कोड़ियार सु, गुणा सिंह हमने आपके आदमी को उठा लिया। पिछले महीने बैल की रेस जब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था। ए, कौन है रे तू? देखो भाई हाथ मत लगाओ। देखो भाई जात पात तुम अपने पास ही रखो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेचारा मर गया। ये आपने क्या कर दिया भैया? राजनीति करने और राजनेता बनने के लिए त्याग करना चाहिए जैसे इसने किया। एविडेंस नहीं मिलना चाहिए इसलिए उसकी बॉडी को जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। मैं उसकी राख भी नहीं देख पाया, ऐसा कर दिया उन लोगों ने। कोड़ियार सु का बैकग्राउंड मत देखिए सर, इसमें गणित मास्टर जी का बहुत नुकसान हुआ है। मैं वहां शादी में था और तुमने मुझे यहाँ बुला के फंसा दिया। अरे रे, अभी जा सकते हो? सच में? हाँ, कितना हो सकता है? 10 लाख। 20 लाख। 25 लाख। बात करके देखते हैं। जाके बोल। अरे रे मामला बिगड़ जाएगा, आप खुद ही जाके बात कीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से मारा था, मर गया। FIR तो नहीं हुई है ना? मतलब आपने उसको मारा ये आप कबूल कर रहे हैं? अच्छा सुनो स्वामी, होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ, कल कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस करना है। ए उठ, उठना। We'll be right back.
आज तक स्वामी तुम्हारी तनख्वाह के लिए काम कर रहा था, आज पहली बार स्वामी ने सरकारी तनख्वाह के लिए काम किया है। मैंने तुझे शिक्षा दी और तूने मेरे ही पोते को मार डाला, नरक में सड़ेगा तू। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। शादी के बीच में भाई को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम लोगों को अपने घर में रखा है, मैंने गलती की। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस मामले की वजह से अगर मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई ना तो फिर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी। चलो जाओ। मामा, मामी आ रही है। अरे मामा कहाँ जा रहे हो? मामा मंदिर में। अरे आज हमने नहाया नहीं है। अरे मामा। अरे सुन, कहाँ चला गया? अरे अरे कहाँ चला गया यार? अंदर चाय पीने गया था मामा। अरे मेरे कंस मामा, मामी को पटाने के लिए इस बर्फीले पानी में ढकेल कर मुझे मारना चाहते हो? बेटा बैठ कर आराम से नहा लो ना। कल आके सो के नहा लूंगा, अपना ही है। इधर हम लोग फैंसी कंपटीशन में आए हैं क्या? हे भगवान। वेंकटरामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा। ये कार्तिकेयन है। सॉरी कार्तिकेय। क्या मामा, आपको पंचामृत लड्डू का फर्क नहीं पता है क्या? चला गया। आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती हैं या हर रोज आती हैं? रोज आती हूँ। मुझे रोज ना आना पड़ेगा क्या? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाया गया है, लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है। इन्होंने समाज के लिए सेवा किया है या अपने समाज के लिए किया है? बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये। पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। आपसे विनती है कि इनकी जमानत मंजूर कर दीजिए। जज साहब, इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है ये मैं तय करूंगा। छात्र का खून किया इन्होंने, इनके गांव में जाने से दंगा फसाद हो सकता है, इसीलिए इन्हें 200 किलोमीटर दूर स्थित मदुराई शहर के पुलिस स्टेशन में पहुँच कर दोनों वक्त साइन करना होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब। अच्छा ये बताओ, सुबह के समय साइन करने के बाद रात को तुम्हारे आदमी कहाँ पर ठहरेंगे? होटल में रूम बुक करके। जज साहब, जानता था वो लोग सुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पकाकर दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे, फिर शाम को नींद लेने के बाद नहा धोकर साइन करने पहुँच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे। मैं ये सब नहीं होने दूंगा, ये कोई साधारण हत्या नहीं है, एक छात्र की हत्या है। अच्छा तुम्हें तिरुपति कुंड तालाब पता है क्या? पता है साहब। और ग्रेव का पेड़ पता है? पता है। वो क्या करता है ये भी पता है? जमीन के पानी को खींच लेता है। वो पेड़ तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए। तुम्हें काम करना है, तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सीधे उस तालाब पर पहुंचना है और 10 डालियां काट कर तालाब के उस पार उन्हें पहुंचाना है। ऐसा करोगे क्या? करूंगा साहब। आइए सर, आइए। क्या भाई इतनी जल्दी? दरवाजा बंद किए बिना बैठे हो? बंद मत कर, जेल में भी ऐसे ही खुला रहेगा, इसी तरह रहने दे। बाथरूम में पानी मत डाल, पेशाब की बदबू से मुझे उल्टी होनी चाहिए, पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेंकने जैसा महसूस होना चाहिए। मेरे खुद के गांव में कदम रखने से रोक दिया ना, मैं किसी भी आयोजन में शामिल न हो सकूं, ऐसा कर दिया उसने। भाई ऊपर बैठिए ना। जेल में चाय नहीं देते हैं रे बेवकूफ, जमीन पे बैठना है और जमीन पे ही सोना है। मेरे खाने के लिए अल्मुनियम की थाली लेके आ। ऐसे ही जेल में देते हैं। जेल से बाहर आ गए हो, जेल की बात मत करो भाई। जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। उस गुड़ा सिंघम को मार के जेल जाऊंगा, तब तक ऐसे ही रहूंगा। बत्तियां बुझा तो मुझे नींद नहीं आती है। बहुत घना जंगल है। तू अपना मुंह बंद रख।
भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्या है? कुछ नहीं। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो? प्लीज प्यार ही करता हूँ। फॉलो कर रहे हो? कसम से बोल रहा हूँ। हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरी आंखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा कहकर दिखाओ। गलत नहीं है, गलत नहीं है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सिर्फ इस उम्र में ही नहीं, बूढ़ी होने के बाद भी प्यार करूंगा, यही मेरी इच्छा है। आप मुझसे शादी करेंगी? मैं बहुत खुश रखूंगा, झगड़ा करूंगा, इतने दिन शादी क्यों नहीं की ऐसा फील करूंगा। और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, कसम से कहता हूं। यही अपना घर है। मैं जाऊं क्या? अरे कोई देख लेगा, आ जाओ। वो वहां पर जो दिख रहा है ना, वही अपना खेत है। खूबसूरत है। वहां तक मुझे कुत्ते की तरह इधर उधर भगाकर उस पेड़ को कटवा रहा है, और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है। हाँ, ए, आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हादसा और ना भूलने वाली भयानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है ये बताओ। बहुत है भाई, नागर गोयल में बहुत बड़े गुंडे हैं। व्यासरवाड़ी के मेले में दो टीमों के बीच झगड़ा हो गया भाई। मदुरई में भी दो परिवारों के बीच दुश्मनी थी भाई। इन सबसे भी बड़ा, बहुत बड़ा, पूरा शहर इसके बारे में बात करे, ऐसी मौत गुड़ा सिंघम की होनी चाहिए। हेलो, बोलो ना। ए, हमेशा हंसते रहते हो, ऐसा लगता है फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो तुम। क्यों, पसंद नहीं है क्या? अब इसके लिए भी हंसोगे? हाँ, और क्या, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है। मारो इन्हें। मामा, सामने बच्चे हैं। अरे मामा, अरे वो बच गए। भगा 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 जल्दी भगा, जल्दी। हेलो, अरे निकाल, जल्दी निकाल, बच गया वो। और जल्दी, और जल्दी, जल्दी भगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आज के बाद जरा होशियार रहना बेटे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। अरे सुनो, मोच इस पैर में आई है, उस पैर में क्यों मालिश कर रही हो तुम? तो चुप कर, मोच उस पैर में है तो दर्द यहाँ पर हो सकता है। सुनो भगवान, हैं? साले साहब को कुछ नहीं हुआ है। कभी मेरा तो इतना ख्याल रखना नहीं है। क्या सफारी, हा? गाड़ी को बीच रोड पे खड़ी करके रखा, साइड में करो ना। हाँ हाँ, कर देता हूँ। भैया, देसी मुर्गी का सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लो। अरे मुर्गी का सूप बना है, बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा पियोगे? अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या? नहीं चाहिए। अरे बाप रे, चोट मुझे लगी है, तेल का मसाज उसे हो रहा है, इस दर्द से ज्यादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है। मैंने पाया सूप बनाया है। बेबी माँ, आप क्या कर रही हैं? पंखा जल रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है, जरा आराम से करो बेबी अम्मा। अबे सुन मामा, इतना दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, हड्डी पसली एक हो गई, पूछता है दर्द क्या हुआ। अब तू क्यों रो रही है? गुणा को कुछ भी नहीं हुआ है। दो बार गुणा से दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, गुणा के पास तो बहुत बड़ी सेना है। आपकी जबानी काफी है उनको रोकने के लिए। ठीक से पीना। पी रहा हूँ। बड़ी रानी। हाँ पापा। करो करो करो। पति को बिगाड़ने वाली यही लोग हैं। नाना, हा? आप नशा नहीं करते क्या? हर किसी को कोई ना कोई नशा होता है, मुझे तो अपने परिवार का नशा है। तब ठीक है, गुणा को इसकी आदत नहीं है ना? चे, 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 चे। क्या बात कर रही है तू? बस ऐसे ही पूछा।
ठीक है अब चलो सब लोग बाहर बैठकर खाना खाते हैं। अरे नहीं क्या कर रही है, मैं करता हूं ना, अरे छोड़ ना। नीलकंठ शंकर भगवान की जय। जॉली ब्रो आपके लिए भी बनाऊं क्या? अरे गुड़ा रुक जाओ मैं भी आती हूँ, मैं गुड़ा के पास बैठूंगी। अरे बैठा हूँ क्या चिल्ला रही हो? गुड़ा कल कॉलेज की फीस भरनी है, भूलना मत। वो सब पढ़ने वालों के लिए भरते हैं, तुम्हारे जैसे फेसबुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं। चुप कर, ए मैं भी फोटो बनाऊंगी। ए हां सब लोग यहां देखो। स्वामी सब जरा रुक जाइए स्वामी, ये मारी माता काली माता। जरूरी कॉल है ना, बात करके आता हूँ। बेटा जरा वहाँ बैठ जा। खाना खा कर जाओ ना गुड़ा। नहीं कल केले के बीच बोले ना, इसलिए ऑफिसर बुला रहे होंगे। हेलो बोलो। कहाँ हो और तुम कैसे हो आप? ठीक हूँ, बस मामूली सी मोच है। मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ, आओगे क्या? अरे बाप रे ये नहीं हो सकता, दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं। भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए, हमारे बीच प्यार ही उतना है। जाके बता दो कि तुम साइशा नाम की लड़की से प्यार करते हो, अगर बता दिया तो मान जाऊंगी। अरे बाप रे ऐसा सोचने से भी डर लगता है। तुम्हें बोलना ही होगा। क्यों? मेरे छोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या कह रही हो? फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं? हम खुद ही सामने से बता देंगे, यही उनकी इज्जत होगी। एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो? पढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर, अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है। पढ़ाई करके फौरन जाकर 1,00,000 रुपए कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गांव में किसान का काम करके 10,000 महीना कमाने वाले को मुझे इज्जत देना आता है। देखो समस्या अभी कृषि की नहीं है, वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना? पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया। ये तिल्ले नायकम की बेटी उन्हें पता है? ये क्या नया चक्कर है? देखो मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। तुम अपने परिवार से बात करो, उन्हें कोई एतराज ना हो तो रिश्ते की ठीक कर लेना। अभी उठा लो, अब आपको मुड़ना है, हम लोग पी लेते हैं। ठीक है मैं आता हूं, चलता हूं। बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे? मैं समझा नहीं। अगर मेरे घर पे लक्ष्मी आई तो फिर मैं यहां जरूर आऊंगा। वो मेरी बहन थी, बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना, अभी तो लड़का पैदा करके भेजा है ना। आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी। क्यों बे मारना ये फैसला कर लिया है? उस तरफ से जाओगे तो गांव 10 किलोमीटर दूर है और इस तरफ से जाओगे तो गांव 7 किलोमीटर दूर है। इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? डरना मत, हम लोग तुझे आज मारने वाले हैं। इधर जंगली जानवर बहुत है, वो तुझे खा लेंगे, इसीलिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया है। अगर मैंने मारा तो ये सारे जंगली मर नहीं जाएंगे बेचारे, क्या कर सकते हैं। रुक जा एक तरकीब बताता हूँ तुझे। अरे मामा अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मेरे साथ बहुत एंजॉय करेंगे। तू क्यों इतना डर रहा है, तू तो बहुत ही बहादुर है ना। क्या बहादुर हूँ, चूहा हूँ मैं तो, आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूँ मैं। देख भाई बहादुरी दिखाने वाला बहादुर नहीं होता, जो अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है ना वो बहादुर होता है। तो मैं बहादुर हूँ क्या? क्या रे खत्म हो गया क्या? हाँ फोन पे रहो, उसकी चीख सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी। तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ना, बाकी मैं आके खुद करूंगा। ठीक है भाई। हेलो डिया हॉस्पिटल है क्या? यहाँ गुड़गुड़ जंगल में बहुत क्या है? सुनिए ये क्या है? अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस केरोसिन का क्या करेंगे? इंजन में डालेंगे? अरे ये क्या करेंगे? सबको बहुत जल्दी है ना, तो मैं यहीं पर मर जाता हूँ। अरे हाँ। अरे अरे तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सवारी वाले को दे दे, मेरा अंतिम संस्कार। अरे छोड़ ना मुझे, मार मत दे। अरे छोड़ ये राशन, अरे मैं मरने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ
अरे बाप रे, जाओ यहाँ से पहले भागो, बहुत सवाल है। शिवगामी है जो हमारे घर पर आकर हम पर राज करने वाली है। अरे रुके 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 रुके, आपके परिवार में इससे शादी करो उससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना। देखिए यही आप लोग की प्रॉब्लम है, परिवार में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में परिवार हो सकता है। वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आएगी। हमारा भाई है, हमारे घर में ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये तो फूट गया। 40 साहिबा, इतना ही बचा है क्या? भुखड़ कहीं का, कैसे ठूस रहा है तू? तो उस गुड़ा सिंघम से प्यार करती है क्या? लड़कों ने बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। हाँ मामा, विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सुन, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो उससे प्यार मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं होगा और उसके लिए भी। मेरी जिंदगी का फैसला मैं ही करूँगी। पहले उसके घमंड को मारना होगा, उसके बाद उसकी जायदाद को, फिर उसको मारूंगा। आवाज मत कर। सॉरी, उस दिन मैंने सिचुएशन समझे बिना ही तुम पर गुस्सा कर दिया। नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा है। आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है। अरे बाप रे, मेरी आवाज सुनकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ? तुम्हारी आंखों को देखकर समझ सकती हूँ कि तुम किस मूड में हो। मुझे अभी तुमसे मिलना है। ऐसा है क्या? अच्छा, अपनी आंखें बंद करो, अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। फ्रेश होकर, तुम्हारे मनपसंद पिंक नाइटी पहनकर, तुम्हारे करीब सोकर, तुम्हें कस के पकड़कर, तुम्हारे माथे को चूम लिया, फिर तुम्हारी आँखों को और फिर तुम्हारे होठों को कस के चूम लिया। मेरी शोना, तुम्हें जल्दी घर पर लाकर, साड़ी पहनाकर, सिंदूर लगाकर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूं। मालिक, हमारे केले के सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। हे भगवान, बदमाशों ने ये क्या कर दिया? किस बदमाश ने ये सब कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। भगवान, हम तो लुट गए। क्या हो गया? मालिक, हमारे दोनों बैलों को किसी ने मार डाला। बहुत बुरा हुआ मालिक, हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारी बैल को मार दिया। अच्छा नहीं हुआ ये। मुझे वहाँ पर देखने दो। बेटे रुक जा, रुक जा बेटा, बेटा मेरी बात सुन, रुक जा। नहीं क्या हो गया पापा? नहीं बेटा, पापा, अरे सर, बात नहीं छोडूंगा। उन्होंने उनको देख लेंगे बेटे। छोड़ो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। Thank you.
मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है। देखिए मालिक, पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे, अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है। भाई साहब, 5,000 केले के पेड़, 2 प्यारे प्यारे बैल, इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो, दुख तो होता ही है। क्या सर, घर में इतना बड़ा मातम छाया है, परिवार वाले आए नहीं, किसी ने अलग कर दिया क्या? गुड़ा सिंघम, मातम है क्या? नदी के किनारे पेड़ कटवाने में तेरा हाथ था ना, और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेड़ और बैलों को। तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। बेटे को अंदर लेकर जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं। ए, केले का झाड़ क्या चीज है रे? भाई ने बोला होता आदमियों को काट डालता। अरे अब यहाँ आ गए हो तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हमारे अरसू जैसा लड़का मिलेगा क्या? मेला खत्म होने दो, देखो फिर इसका झंडा कैसे लहराएगा। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं। उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था, उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुखी मत होइए। मैं कर लूंगा उससे शादी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जरा इन्हें समझाओ। क्या सोच रहे हैं साड़ू भाई, ये खुद हाथ मांग रहे हैं। जब ये खुद आए हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो गुणा सिंघम बहुत अहंकारी है। आपकी मर्जी। हाँ। जैसा चाहो वैसा ही होगा। अरे हाँ कह दिया इन्होंने। दीदी, माँ, चलो घर चलते हैं। माँ, आपके बिना घर सुना सुना लग रहा है। मैं भी इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आओगी। माँ चलो ना। माँ, घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको। माँ चलो ना। माँ, दीदी, दीदी, ए सुन, तू भी इनके साथ मिल गई है क्या? ए, मुझसे बात नहीं करेगी? मुझसे बात नहीं करना चाहती है? दीदी, ये माँ क्या बोल रही है? हमने कभी से नौकराने की तरह रखा था? दीदी, 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 मुझसे बात करो। दीदी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी ना, तो अब क्या हो गया आपको? दीदी, मुझसे जाने को कहो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ऐसे खामोश मत रहो दीदी। मेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है क्या आपको? ठीक है, जब भाई कहकर आओगी ना तब देख लूंगा। मामा, अगर मैं सिर्फ आपका भांजा होता तो यहाँ कभी नहीं आता। आपका दोस्त हूँ बचपन से, इसलिए आया हूँ। मामा, ये सब क्या हो रहा है? मामा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मामा, पुरुषोत्तम कितना बदल गया है। आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है। अपनी चांदनी की शादी उस कोडिया रसू से करवाने की बात चल रही है उसकी। चांदनी की शादी पक्की करवाई है क्या? वो भी है खूनी के साथ? वही मेरा दामाद है, अब क्या करना है? कौन? वो खूनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम सबको मार के अंदर जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी कर रहा हूँ, इससे तुझे क्या? अरे आप पागल हो गए हो क्या? तुझसे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है, तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़का नहीं मिलेगा। तू जा ना। ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है? चांदनी हमारी घर की लक्ष्मी है, मेरे गुस्से की वजह से उसकी जिंदगी खराब मत करो। तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तू जा, जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले। चांदनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुको। ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? वो एक शराबी है,
एक खूनी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश रहूंगा क्या? अरे तुम चलो पहले मेरे साथ, चलो घर पे चलते हैं। जय, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी है ना, चले जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मैं नहीं जा सकता। ए तू आ बता, ए ए छोड़ से, अरे छोड़ो मुझे, तुझसे बात कर रहा हूँ, चल निकल। ये सब छोड़ कर मैं नहीं जा सकता। हाँ तू जा, मुसीबत खड़ी है, चलता है क्या? छोड़ो, ए क्या बकवास कर रहा है, इसे लेकर जाने से एक खूने के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अरे उसे लेकर जाने की बात हो जाएगी यार, चलो यहाँ से। हाँ चलो चलो, क्या कर रहे हैं यहाँ से, चलो बेकार लोग, पागल हो गए क्या? देखो ना, किसी के साथ भी रिश्ता छोड़ देते हैं। मैं खून कर सकता हूँ लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पी ली मामा? हाँ बोला तो था, मेरी दीदी का पति शराब पीकर मर गया था, इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी, लेकिन बहुत बेइज्जती कर दी मेरी। लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा, लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है भाई। मेरा घर खुशियों से चहक रहा था, लेकिन आज शमशान की तरह लग रहा है। दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा। सबकी वजह मैं हूँ कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, वो या तो जख्म देगा या जख्म दिलाएगा। इसीलिए मैं किसी से दिल नहीं लगाता और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है। सही है, तुझे मुझ पर प्यार नहीं है ना? चल मामा घर में चलते हैं, आ जा मामा। वो मंदिर है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तो फिर नहा के आते हैं ना। ये सब लोग इधर ही है ना, मैं भी यहीं पर। अरे मामा, मामा उठो मामा। हे भगवान, अपने बच्चे को इस हालत में देखूंगी ऐसा नहीं सोचा था। मामा उठो, कल सुबह ही सबको बुला कर एक फैसला लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ए रानी, तू मुझे वहाँ लेकर जाएगी या नहीं? नानी मैं कह रही हूँ ना, वहाँ मत जाओ, मानती क्यों नहीं? आज मुझे वहाँ जाना ही है, बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। कनका, तुम कार में रहना, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। अरे सुनो, कहाँ हो? अभी आई जी। बताइए क्या लेंगे? नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी। नमस्ते। आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया, आप सोचकर उलझन में होंगे ना। कलिनिया जब कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, कलिनिया किसी तरह उनसे संभल कर आ तो गई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसू के आदमी निकले। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, उसे सही सलामत आपके घर में सौंप दूं तो मुझे चैन मिलेगा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। दोनों में से किसी एक से शादी करने के लिए मेरे पापा ने कहा था। मैं भी देखता हूं कि वो शादी कैसे करता है। मेरा भाई शादी कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? तू अपना मुंह बंद रख। लगता है वो लोग आने लगे हैं। अब आप जरा अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। मैं पहुंच गया हूँ, जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा, ठीक है? आओ। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बोलता रहूंगा। आओ आओ, आ जाओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ, बहुत दिनों बाद आए, आ जाओ बैठ कर बातें करते हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ अंदर आओ। मैं यहीं पर ठीक हूँ। बड़ा आया बैठने के लिए बोल रहा है। क्या बात है पापा, सबको बाहर बैठा कर रखा है। अरे ऐसे ही बाहर बैठ कर बातें करेंगे ना, तुम बैठो ना, आओ। दरअसल मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, इसलिए सबको बुलाया है मैंने। अब मुनीम जी, जी मालिक, जरा कागजात वगैरह लेकर आइए। हाँ बड़ी बेटी महालक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए बता। पापा अभी ये सब क्यों? तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना, तो तू वो रख ले। वैभव लक्ष्मी बेटी तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। हे तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले, वरना बाद में पछताना मत। अपने बेटे को क्या दे रहे हैं पहले से ही पूछ लो। आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं पहले बताएंगे क्या? मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए, तो उसने कहा था पापा मैं खुद कमा लूंगा। उस लड़की से उसकी शादी करवाओगे, यही कहना है ना आपको? क्या फर्क पड़ता है? ए, अच्छी तरह से सुन ले, इस जायदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जायदाद से प्यार है? ऐसी बात नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सब अचानक क्यों? अब किसी की जिंदगी का क्या ठिकाना है, अब अगर ऐसा मेरे मन में आ ही गया है तो उसे हो जाने दो ना। शो चल जा। ठीक है, अगर ये जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या? सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, फिर सारी मुश्किलें खत्म। मतलब हम लोग जायदाद की लालच में शादी करवाना चाहते थे? रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखती क्या?
हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, जायदाद से नहीं। क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या? कैसे मजाक उड़ा रहा है? आप भी कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला? तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर, तुम्हारा मुंह बंद करवा कर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। तुम लोगों को बाहर बैठा कर और समधी को अंदर बैठा कर यहाँ क्या चल रहा है वो दिखाना चाह रहे हैं, और वो अंदर बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगा ही था ये कोई तरीका होता है क्या? ऐसे भी कोई अपने दामाद को इज्जत देता है क्या? पहले दिन केले के पत्ते पर खाना, दूसरे दिन थाली में खाना और तीसरे दिन हाथ में, चौथे दिन जमीन पर। हे देवी माँ, कहावत बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या? चल निकलते हैं। अरे आप रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बिना मतलब की बात कर रहे हो? क्या बिना मतलब की बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, जो आया है उसकी तो जरूरत है नहीं, और जो आने वाला है तुम लोगों को उसकी जरूरत पहले है। अरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, वो लोग खुद ही मुझसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। रिश्ते की तो बात करने आए होंगे ना? ए, आज के बाद मैं यहाँ पे पैर नहीं रखूंगा, अगर रखा तो पूछना कि क्यों रखा। वो ना, सारी बहनें एक साथ हो गई हैं, झगड़ा भगड़ा करना शुरू कर दिया है। उसका परिवार वैसे इतना भी बुरा नहीं है। सुनिए पहले आप अंदर आइए, चलिए। तुझे मेरे साथ आ रहा है तो आ, नहीं तो फिर तू भी यहीं रह। जब आप जा रहे हैं तो मेरा यहाँ क्या काम? अरे सुनिए, बातों को उलझा कर जाने से क्या फायदा होने वाला है? मैं बातों को उलझा रहा हूँ? तू बात करने वाला होता कौन है मुझसे? कौन होता है जरा सोच कर तो देखो। माँ क्या आप ही बोलने लगी हैं? अब जो किया वो याद दिला रही है क्या? हाँ देखो मैं देवी। तुमसे ए, सुना तूने कितनी इज्जत दे रहे हैं? आज के बाद इस घर से रिश्ते तोड़ कर आना है तो आ जाना, अभी नहीं तो फिर किसी और के हाथ से मंगलसूत्र भिजवा देना। इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो? इतना सब होने के बाद मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? आज के बाद इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इस घर में किसी की मौत भी हो जाए तब भी यहाँ नहीं आऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वो यहाँ से चला जाए तो बेहतर है। पापा वो गुस्से में बात कर रही, तो आप क्यों गुस्से में बात कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच जो रिश्ता था, अभी और इसी वक्त से वो टूट गया है। मेरे मरने पर भी मत आना, वरना तुम बाप के रिश्ते से आओगे और ये मामा के रिश्ते से आएगा। वो क्रियाकर्म का सामान मुझे अभी दे दो, मैं चली जाती हूँ। ये रिश्ता रखने से अच्छा है कि मैं खुद ही जलकर मर जाऊँ। अरे क्या बोल रही है तू? घर के अंदर जाओ और कफन लाकर इसके मुंह पर फेंक दो। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये आप कैसे कह सकते? ये सब अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं पापा, कोई इनको भड़का रहा है, लेकिन आप गुस्से में कुछ मत बोल देना हाँ पापा। दीदी दीदी, पापा गुस्से में ये सब बोल रहे हैं, आप जरा शांत हो जाओ। जाकर ले आओ कफन, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। माँ माँ रुक जाओ। मालकिन मतलब हमारा भी अंजाम यही होगा क्या? आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। हाँ सही कहा, ठीक कह रही हो। इज्जत देने की बात करके बेइज्जत कर रही हो। खुश रहो, हमारे चार दामाद अलग अलग कोख से जन्मे हैं, इसलिए उनकी सोच अलग है, लेकिन तुम सब तो एक ही कोख से जन्मी हो, फिर तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है? तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था, आज जबकि वो तकलीफ में है तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो। हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए, पूरा गाँव यहाँ आया, पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को यह दुनिया रुलाती है, यही आज का दस्तूर बन गया है, पर मैं अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकता। मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहाँ नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी। तू किधर जा रही है? कार में जाके बैठ। पर अब तुम लोग आओ या ना आओ, ये शादी तो जरूर होगी, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। लाइए मुझे दी, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता। आप इसकी शादी कहीं भी करवाइए, आपके परिवार को तोड़ने की वजह मैं नहीं बनना चाहता। अब मैं क्या करूं? मार दे हथौड़ा। ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? कफन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या अच्छी बात? क्या बोला तुमने? सुनिए थोड़ा इज्जत से बात कीजिए ना। कौन मर्यादा से बात कर रहा है? पापा से ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए इज्जत से बात कीजिए। क्या रे मारने आ रहा है क्या तू? अरे क्या आप ही कौन रे? मेरे जीजा जी को बेइज्जत करता है? हैं जाओ बोलता है क्या? दिखाओ मेरे को। अभी एक काम कीजिए, बजाऊंगा ना। ए अब मुझे बात है, हाथ से लगा रहा इधर आ। चल तू घर में, इधर मैं बता क्या कर रहा हूं। अरे रुकिए, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? शांत हो जाइए सब लोग। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, शांत हो जाइए। दूसरे से लड़ो मत, बैठ कर फैसला करो। रुकिए पहले उस तरफ जाइए, रुकिए आप लोग। अरे क्या हो रहा है ये? रुक जाओ मैं कह रहा हूँ, रुक जाओ, बंद करो ये सब। घर आए मेरे पापा पर तुमने हाथ उठाया, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। मेहरबानी करके सब लोग यहाँ से चले जाइए, मैं कह रहा हूँ चले जाइए।
दादी मेरी एक मदद कर सकती हो? बोल मेरे बच्चे, क्या करना है? आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है, 90 साल की हो गई हूँ। सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन